जीवली और चेवार में हुई मार्ग दुर्घटना में जहां दो युवकों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। जीवली मोड़ पर ट्रेलर की चपेट में आने से एक बाइक पर सवार तीन युवकों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बरदा थाना क्षेत्र के जीवली बाजार बाईपास मोड़ पर देर रात बरदा थाना क्षेत्र के कुंभ गांव निवासी एक बाइक पर सवार तीन युवक अज्ञात ट्रेलर की चपेट में आ गए। घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, एक अन्य युवक घायल हो गया जिसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल का इलाज वाराणसी के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक कुंभ गांव निवासी बाइक सवार इंदल यादव 36 साल पुत्र परमजीत, विवेक प्रजापति पुत्र छविराज, विकास बिंद 20 साल पुत्र सूबेदार, तीनों जौनपुर जनपद के गौरा बादशाहपुर बाजार से वापस एक साथ घर आ रहे थे। जीवली बाजार बाईपास मोड़ तिराहे पर तेज रफ्तार से जिला मुख्यालय की तरफ से आ रही ट्रेलर की चपेट में आने से मौके पर ही इंदल यादव और विवेक प्रजापति की मौत हो गई। घायल विकास बिंद को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल जौनपुर भेजा गया जहां उसका इलाज किया जा रहा था। वहीं मौत के बाद परिजनों में पूरी तरह कोहराम मच गया है। अन्य दुर्घटना में चेवार में बाइक महिला से टकराई, बाइक चालक तथा महिला गंभीर रूप से घायल हैं। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चेवार हाईवे पर रविवार की शाम 5 बजे के करीब घर से कंजही जा रही महिला सरोज 45 साल पत्नी दिनेश निवासी चेवार पूरब जैसे ही ऑटो में बैठने जा रही थी। इसी बीच देवगांव की ओर से जा रहे चेवार पश्चिम निवासी स्वतंत्र सिंह उर्फ शेरू सिंह 36 साल पुत्र अशोक कुमार सिंह महिला से टकराकर बाइक लेकर गिर गए। दुर्घटना में महिला और वाहन चालक दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आनन फानन में घायल महिला को परिजन लालगंज स्थित प्राइवेट अस्पताल ले गए जहां उसका दो स्थान से पैर टूटा हुआ बताया जा रहा है, जबकि वाहन चालक शेरू सिंह गंभीर स्थिति में शवशैया हॉस्पिटल लालगंज ले जाए गए जहां से चीफ फार्मासिस्ट लालमन यादव के अनुसार स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है।